हेलो एवरीवन, ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 47 तक, जिनको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 47 से आगे, जिनको गांधीयन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी। ये जो भी आगे प्रिंसिपल्स हम ये आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इनोशिएटेड बाई गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी। सम ऑफ हिज आइडियल्स वर इंक्लूडेड एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो गांधी जी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो उनके दिल में ख्वाहिशात थी कि हमारे हिंदुस्तान में इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए, इस तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उन ख्वाहिशात को जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ला के उनको जो है आर्टिकल्स की शेप दी गई। दे रिक्वायर्ड द स्टेट। इनके एतबार से जो ये आर्टिकल्स हैं वो क्या चाहते हैं, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंड्यू देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू अनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40, यानी इसमें जो है पंचायत राज के बारे में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो एक पंचायत राज होनी चाहिए, एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो जिसको पंचायत राज का नाम दिया गया, जो ग्रास रूट लेवल तक जो है काम करे। तो इसको जो है ये जो है पंचायत राज सिस्टम, इसको जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हटा के अब ये जो है एक ये वर्किंग कंडीशन में अब आ चुका है। ये जो है अमेंडमेंट इसमें आ गए, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको एक्शन में लाया गया है इस आर्टिकल को। टू नेक्स्ट जो है आर्टिकल, टू प्रोमोट कटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, ये आर्टिकल 43 में है। टू प्रोमोट वॉलंटरी फार्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड इट इज़ कंटेंट इन आर्टिकल 43B। देन टू प्रोमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लाइटेशन। तो उसके बाद जो है आर्टिकल 46 में क्या चाहा गया था कि वो जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनके लिए जो है कुछ ऐसा जो है किया जाए टू उनके लिए जो है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है बढ़ावा देने के लिए काम किया जाए। ये जो है आर्टिकल 46 में रखा गया था। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं उन और जो इंजूरियस टू हेल्थ है, जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह, उनको जो है प्रोहिबिट करना, ये आर्टिकल 47 में रखा गया है। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, गौकशी उसको बंद करना, काउज एंड अदर मिल्क ड्रॉट कैटल्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ये जो है आर्टिकल 48 में रखा गया है, कहा गया है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को जो है आगे निकालना ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पर उनको जो है लेके आना, इस जो है आर्टिकल 48 में रखा गया है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है एनवायरनमेंट है, इसको जो है प्रोटेक्ट करना, इसको इम्प्रूव करना जो है ये रखा गया, ये सजेशन रखी गई है आर्टिकल 48A में। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इट इज़ कंटेंट इन आर्टिकल 49। तो ये जो है कुछ गांधीयन प्रिंसिपल थे। अब जो है हम लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो ये जो आगे हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, दे रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। दे डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। इसमें क्या कहा गया कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी ये जो कानून है वो तमाम लोगों के लिए जो है यकसा कानून लागू किया जाए पूरे हिंदुस्तान में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जैसे आज हमें पता है कि मुसलमान जो है उनका जो है अलहदा कानून, उनके लिए अलहदा कानून है। देन हिंदूज़ के लिए जो है अलहदा, बहुत से हिंदूज़ के लिए अलहदा कानून है। लेकिन
इस आर्टिकल के थ्रू जो है कहा गया है कि पूरे जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं उनके लिए जो है एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। टू देन नेक्स्ट आर्टिकल, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। तो 6 साल की उम्र तक जो है उनको जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देना, ये आर्टिकल 45 में जो है चाहा गया। देन टू सेपरेट द जुडिशरी फ्राम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को जो है सेपरेट करना, ये रखा गया आर्टिकल 50 में कहा गया। टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, एक तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है प्रोमोट करना और उनका जो है आपस में बेहतरीन रिलेशन कायम करना। एंड टू फोस्टर रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं उनको उनको सेटल करना और इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को जो है उनकी रेस्पेक्ट करना, ये जो है आर्टिकल 51 में कहा गया है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द ओरिजिनल लिस्ट। तो ये जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है नए लाए गए थे दे, और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39। देन टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, एक तो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड उनको जो पुअर्स को देना, ये आर्टिकल 39A में। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A। देन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो है 4 आर्टिकल थे जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जो है इनको लाया गया है। तो ये हमको याद रखना, ये इनमें से पूछा जा सकता है कि ये जो है कौन सा आर्टिकल है, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है के अंदर कौन सा आर्टिकल है जिनको जो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है लाया गया है। देन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एडेड 1 मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी इनइक्वलिटीज जो इस वक्त इनइक्वलिटीज है उनको कम करना, किस किस मामले में, इनकम्स स्टेटस फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज़ के अतबार से जो भी इस वक्त इनइक्वलिटीज़ हैं उनको कम करना, ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आया गया है और ये आर्टिकल 38 में इसको रखा गया है और ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। अगेन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 चेंज्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो एक ये जो है सब्जेक्ट जो आर्टिकल 45 में कहा गया था राइट टू एजुकेशन के बारे में, उसको जो है चेंज किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू और इसको जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 21A के तहत। इस वक्त जो है एट प्रेजेंट जो है ये जो एजुकेशन है इट इज़ ए फंडामेंटल राइट एंड इट इज़ कंटेंड इन आर्टिकल 21A। पहले जो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल में था आर्टिकल 45 में था। द अमेंडेड Directive requires the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Then 97th Amendment Act 2011 added new directive principles relating to cooperative societies. Cooperative societies से related जो है एक और article लाया गया, directive principle लाया गया 97th Amendment Act 2011. It requires the state to promote voluntary formation, autonomous functioning and democratic control and professional management of cooperative societies. तो ये जो है आर्टिकल 43B में रखा गया है। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसबल एंड लीगली नॉन एनफोर्सिएबल। तो जिन्होंने ये जो है फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक तो नॉन जस्टिसबल कहा गया, यानी हम जो है इनको एक्वायर करने के लिए हम जो है कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं एंड लीगली नॉन एनफोर्सेबल इनको जो है ज़बरदस्ती भी जो है एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। इसकी कुछ वजूहत हैं, क्या द कंट्री डिड नॉट पोजेस सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट डैम। एक तो उस वक्त जो है मुल्क जो है हमारा आज़ाद हुआ था, नए नए आज़ाद और इसके जो थी अभी गुर्बत थी, अभी जो है डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी, पुअर था
तो उस वक्त जो इसके पास सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं थी वो जो है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके. द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन. चूँकि बहुत ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ बैकवर्डनेस थी तो वो जो है इन चीज़ों को उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं कर किया जा सकता था. द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट विद इट्स मैनी प्री ऑक्यूपेशन माइट बी क्रश्ड अंडर द बर्डन अनलेस इट वॉज फ्री टू डिसाइड द आर्डर द टाइम द प्लेस एंड द मोड ऑफ फुलफिलिंग द. तो उस वक्त जो है अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो वो एक मुश्किल काम था, इसलिए इनको रखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ताकि वक्त के साथ साथ जब जो ज़रूरत पड़े, जब हमारा हमारे जो मुल्क है आगे बढ़े, तरक्की की ओर बढ़े, तो वक्त के साथ साथ ज़रूरत के साथ साथ जो है इनको जो है इनको जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो ये जो था हमने पूरा डिस्कस किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. लेक्चर वन भी डिस्कस किया और जो है लेक्चर टू भी हमने पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस किया. होप आपको ये जो है दोनों लेक्चर पसंद आएंगे. इनको जो है एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ये जो है याद हो जाएंगे. इनमें जो है अक्सर आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी आर्टिकल में जो है क्या कुछ कहा गया है, तो इसको जो है आपने एक दो बार रिपीट करना ताकि ये जो है याद हो जाए. ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक.